हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 11th का हम एनुअल एग्जामिनेशन जो 2021 का पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जनरल इंग्लिश का। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में इस पेपर में जो 2021 का पैटर्न है आपका चेंज हुआ है उसके हिसाब पर इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फंसेंगे और साथ ही साथ आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि आखिरकार आपका इंग्लिश का पेपर आएगा तो आएगा कैसा। ठीक है, तो ये जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इसमें मैं पूरी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, क्वेश्चन भी सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा इंग्लिश का, और साथ ही साथ मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, चाहे वो ग्रामर सेक्शन वाला हो, सेक्शन बी सेक्शन पैसेज सेक्शन वाला हो, चाहे क्वेश्चन आंसर वाला हो, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और जो अभी चैनल पे अभी तक अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी प्रकार की वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहेंगे। बेल वाले आइकन को दोबारा भूलना मत, ताकि अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसा कि सबसे पहले आपको पैसेज मिल जाएगी, 11th क्लास का है ये इंग्लिश का पेपर। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं, ये प्राइवेट स्कूल का पेपर है बेटा, गवर्नमेंट स्कूल का पेपर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का तो अभी पेपर ही नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट स्कूल का जो भी पेपर होगा उसमें इसके क्वेश्चन फंसने के चांस हैं, संभावित प्रश्न है। ठीक है, और इसका पैटर्न भी बता सकूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं उसी तरीके से बताऊंगा जैसे आप किसी भी प्राइवेट कोचिंग में जाते हो, खुद पे करते हो फीस, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके की आपके पैसेज आएगी, तो इसमें लिखा व्हाई डज द ऑथर कॉल इंडिया द लैंड ऑफ ग्रैंड। पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए एक पैसेज पहले आ जाएगी, उसमें से क्वेश्चन आंसर तो रहेंगे। ठीक है, ए सेक्शन में क्वेश्चन आंसर रहेंगे, बी सेक्शन में आपके पूरा ग्रामर वाला रहेगा, जैसे कि नाउन फॉर्म, अपोजिट वर्ड्स, है ना, ग्रेसफुल वर्ड्स का क्या होगा सेम मीनिंग, ये चीज़। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो 100% आपसे पूछेगा, तो इस टाइप से आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है इन ग्रामर सेक्शन वाले क्वेश्चन जो पूछता है। अगर आप कहो तो मैं ग्रामर सेक्शन वाले जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो सारी एक प्रॉपर एक वीडियो बना दूँ, तो उसमें आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जानी है। ठीक है, उसमें अगर उसे पढ़ लोगे तो फ्यूचर में कोई भी अगर किसी प्रकार का पेपर आता है, मतलब सारी चीज़ें उसमें बता दूंगा, तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगी, ऐसी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, तो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसके लिए। ठीक का, फिर इसके बाद आप दूसरी पैसेज आपको मिलेगी, और ये आपको पता है कि ये दूसरी नोट समरी वाली पैसेज रहेगी। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि आखिरकार नोट समरी कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नोट्स बनाने का, समरी का बताता हूँ, नोट्स का भी बताता हूँ, आसानी से बताऊँगा, ध्यानपूर्वक सुनना बस। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो नोट्स लिखने के लिए सबसे पहली पहला पॉइंट है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा यार, कॉन्फिडेंट रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। कॉन्फिडेंट मतलब कैसे, अब बोलोगे सर मोटिवेशन ना दो, बिना मतलब मोटिवेशन ना झेलो, पहले चुपचाप पॉइंट पे आओ। तो देखो कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि जैसे कि देखिए कोई भी अगर नोट्स बनाता है ना, चाहे एक टीचर बनाए, स्टूडेंट बनाए, कोई भी बनाए, ठीक है, या पेपर में आ गया, तो उसका नोट्स का ना एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं होता, एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो वनों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ आ जाता है। ठीक है, 10th क्लास की बात करूँ तो उसका एक एग्जैक्ट आंसर कि प्रत्यक्ष लाभ ये होता है, अप्रत्यक्ष लाभ ये होता है, लेकिन नोट्स का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। जैसा आप बनाओगे, नोट्स इसलिए लिखवाई जाती है, पूछी जाती है, ताकि उसमें आपका कंप्रेहेंशन एबिलिटी आपकी समझी जा सके, जांची जा सके कि आखिरकार स्टूडेंट से कितना नोट्स या कि इंग्लिश कितनी आती है, कितना वो इंग्लिश को समझ सकता है। उस तरीके से नोट्स को बनाया जाए, उस तरीके से आपके लिए नोट्स दिया जाता है। तो आप मतलब इसमें पूरी राइटिंग सेक्शन पर डिपेंड करता है ये चीज़। जैसे आप मान लीजिए एक पॉइंट इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने बना दिया, या मान लीजिए यहाँ इट इज़ वेरी इट इज़ नेवर गुड टू अपियर इंपॉर्टेंट वाइल कंसर्निंग ठीक है, क्या लिखा कनर सिंह, हाँ, तो यहाँ तक अगर आपने बना दिया, पॉइंट बना दिया, ठीक है, इसके बाद आपने ये पॉइंट बना दिया, मतलब ऊपर नीचे कुछ भी कर दिया, ऊपर से ही कर दो, मान लो ऊपर से नीचे की ओर चले आए, तो ये नोट्स बना दिया। ठीक है, ये पुराना पैटर्न था, पुराना पैटर्न कब तक था, ये 10th तक था। ठीक है, 10वीं तक यही पैटर्न चला करता था, 11th के बाद ये चेंज हो जाता है, 11th 12th में चेंज हो जाता है। अब 11th 12th में कैसे चेंज होता है, वो आपको बताया जाता है कि आपको अब एब्रीविएशन का यूज़ करना है, अब्रीविएशन का यूज़ करना है। ठीक है, अब अब्रीविएशन नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद दूसरी बात, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है इसमें, अब्रीविएशन के साथ साथ आपका सभी के सभी 3-4 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें, इन चीज़ों को क्लियरली करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या, अब्रीविएशन का मतलब होता है पूरी की, जैसे लिखा देखो, जैसे मान लो यहाँ से मैं ना, एक सेकेंड, ये वाली पैसेज इसका नोट समरी बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये प्रोनंसिएशन मैं इसका क्लियर प्रोनंसिएशन या कि अरेंजमेंट में इसका पॉइंट बना लेता हूँ। तो मैंने बनाया नोट्स, ठीक है, नोट्स लिखा, इसके बाद 1.1 का इसका पॉइंट डाल दिया, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट पॉइंट डाला। अब उसका सॉरी हाँ 1.1, ठीक है, इसके बाद आप अरेंजमेंट की वाली लाइन में, अरेंजमेंट वाली लाइन में यहाँ से मान लो यहाँ तक जितने भी लाइन में, यहाँ तक मान लो लाइन आ गई, ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उन सब से आपको वोवेल साउंड, वोवेल हटा देना है। जैसे अरेंजमेंट में क्या क्या आ रहा है, आइडिया है, तो आई को शुरू वाला लिखना है, डी ए एस, मतलब आइडियाज, ठीक है,
फिर इसके बाद प्रॉपर है पी आर पी आर, ठीक है, कंट्रोल है सी टी आर एल, फिर इसके बाद आपको लैंग्वेज एल ए एल एन जी जी, ठीक है, मतलब एब्रीवेशन मतलब होता है शॉर्ट्स में, आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको सभी शब्दों को लिखना, सभी वर्ड्स को शॉर्ट में लिखना। इम्प्रेसिव है आई एम पी आर एस भी, इम्प्रेसिव, इंटरेस्टिंग आई एन टी आर एस टी एन जी, बस इंटरेस्टिंग, मतलब बीच के जो वोवल साउंड हो ना उनको बिल्कुल भी तुम्हें नहीं लिखना है, और सब में डॉट डॉट ऐसे ऐसे डॉट, जैसे नहीं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट नेम में लिखते हैं तो ऐसे ऐसे डॉट लिख देते हैं ऐसे, तो ये डॉट आपको लगाते चले जाना है, ठीक है। ऐसे करके आपको वन, फिर कैसे बनाना है, अब एक पॉइंट का, एक पॉइंट, 1.2, 1.3, ठीक है, 1.3, 1.4, ये एक पॉइंट का हो गया। इसी तरह करके 4 पॉइंट कम से कम तुम्हें बनाने हैं, ठीक है, मतलब 4 पॉइंट तक के, 4.4 ऐसे तक के आना चाहिए। ऐसे करके अब देखो क्या, देख सर बना तो बना क्या दे यार, समझ में नहीं आता क्या बना दे इतनी इतने से पैसे दे। तो यार देखो सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो रहो, जो चीज़ तुम लिख रहे हो ना एकदम 100% क्लियर है, 100% तुम्हारा सही है, बस तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहते तो तुम आगे भी दिमाग नहीं लगा पाते हो। एक चीज़ याद रखना, अगर स्ट्रेस स्ट्रेसफुल माइंड जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, तो स्ट्रेस से बाहर आओ पहले, टेंशन से बाहर आओ पहले, ठीक है। जो भी कर रहे हो तुम क्लियरली 100% करेक्ट है, वो राइट है वो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहो। और समरी की बात करें, समरी आपको पूरा ऐसे, समरी आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ भी, कहाँ से मतलब यहाँ तक, ऐसा होता है कि जैसे मैं तुम्हें बोल दूँ कि बाग में जाओ और कोई दो चार फूल तोड़ के लाओ, तो ये समरी हो गया। लेकिन अगर मैं बोल दूँ बाग में जाओ और गेंदा गुलाब सूर्यमुखी ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे नाम गिना दूँ, तो वो चीज़ नोट्स कहलाती है। तो इस तरीके से आपको पूरे पैसे से ढूंढ के लिखना होता है, और कोई अलग से नहीं होता। टाइटल भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी पैसेज है, तो इसके बाद आप आओगे, हाँ ये चीज़ भी आती है आपके, राइटअप नोट लिखना, आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन विद अदर कंट्रीज, प्रोग्रेस रिच लिटरेचर, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का आपको याद रख लेना है राइटअप नोट, या फिर आर्टिकल फ्लड का पढ़ लेना है। हाँ वंडर ऑफ साइंस का इसे तो याद ही कर लेना, ये तो कंफर्म है। ड्रॉप्ड पोस्टर, पोस्टर भी याद कर ले, लिख लेना। अगर चाहते हो कि पोस्टर बताएं तो पोस्टर भी बता देंगे तुम्हें हम, पूरा बहुत ही आसान तरीका। फिर इसके बाद कल्चरल सेक्रेटरी, ये वाली इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए नोटिस तैयार कर रहा है, ठीक है, कि मतलब स्कूल में हमारे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो रहा है, सभी स्कूल सभी स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश में चीज़ नोटिस बोर्ड में आपको नोटिस लगाना है। इसके बाद राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड हम मनी फॉर यूनिफॉर्म बुक्स, वही सेंड मनी वाला, ठीक है। इसके बाद राइट एन एप्लीकेशन फॉर योर प्रिंसिपल, वो टीसी के एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। अब देखो इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा, आई एम यूज टू डैश डैश इन क्यू, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं वर्क भी फर्स्ट फॉर्म लगा के इसमें आ जाते हैं, जो कि 100% पूरा का पूरा गलत है। देखो इसलिए क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी एम है, यूज टू नहीं है, हालांकि यूज टू मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ ये एज अ वर्ब काम कर रहा है। हमारा मेन क्या है, हेल्पिंग वर्ब एम है, और एम अपने साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेता है, तो आई एम यूज टू वेटिंग इन क्यू, ठीक है। अगला देखिए, डैश डैश ही वॉज टायर्ड, डैश डैश ही ऑफर टू, सॉरी ही ऑफर टू कैरी द चाइल्ड, तो देखो एज ही वॉज टायर्ड ही ऑफर टू कैरी द चाइल्ड, ठीक है। आई वॉन्ट अ फ्रेश एप्पल, डैश हैव यू डैश डैश, मुझे एक फ्रेश एप्पल चाहिए, हैव यू एनी, हैव यू सम, हैव यू मैनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एनी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक एप्पल चाहिए, आई वॉन्ट ए फ्रेश एप्पल है, तो एनी सम के लिए बहुत सारे लोगों के लिए होता है सम मैनी, तो हम क्या लगाएंगे, एनी लगाएंगे। अगला देखिए, द स्नेक क्रॉल डैश डैश इट्स होल्ड। अब देखो जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जाती है ना, तो इसमें हम इन टू लगाते हैं, ठीक है। अगर पहले से है तो इन लगाएंगे, लेकिन अगर बाहर से अंदर जा रही है तो अंदर इन टू लगाएंगे। तो स्नेक अंदर गया, होल के अंदर क्रॉल किया। इसके बाद अगला देखिए, आई कैन कैरी ओनली टू एट डैश डैश टाइम, तो ये हो जाएगा ए। अब आप सोचोगे द क्यों नहीं लगा, एन तो इनका तो कोई सवाल नहीं उठता, द क्यों नहीं लगा, द नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा आई कैन कैरी ओनली, सिर्फ का मतलब लगा, मतलब ओनली मतलब एक, ओनली एट टाइम। फिर डू एज डायरेक्टेड, दिस टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट, इसका सो दैट यूज करना है, तो हो जाएगा टू की जगह सो लगा दोगे, फिर हैवी के बाद दैट लगा दोगे, फिर इसके बाद दिस टेबल इट कैन नॉट बी लिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है। दिस टेबल इज, सुनना, दिस टेबल इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, ठीक है। हम वहाँ ही नहीं लगाया इसने, क्योंकि द टेबल जो है ये नॉन लिविंग है। अगला देखिए, ओपन द डोर, इसको चेंज द वॉइस, इसको वॉइस चेंज करना, तो ओपन द डोर का हो जाएगा द डोर, हाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ठीक है, रिक्वेस्ट बोला गया है, वॉइस है, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर।
फिर पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको वॉइस चेंज करना है, तो ये पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्पीक वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट को बाहर निकालो, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बाई पीपल, ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बाई पीपल। फिर सी इज़ नॉट ऑनेस्ट, सी इज़ नॉट हार्ड वर्किंग, नीदर नॉर का यूज करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ नीदर लगा देंगे पहले, नीदर, नीदर नॉर का अगर यूज चाहिए तो बता दो फटाफट, तो नीदर नॉर का यूज भी बता देंगे, नीदर सी और नॉर, सॉरी ऐसे नहीं, नीदर सी ऐसा हो जाएगा, नीदर सी इज ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग, ठीक है, नीदर सी इज ऑनेस्ट, क्योंकि नॉट हट जाएगा क्योंकि नीदर में नॉट पहले से ऐड होता है, तो नीदर सी इज ऑनेस्ट, फिर ऑनेस्ट के बाद लगा देंगे नॉर, फिर हार्ड वर्किंग, क्योंकि ये चीज़ पहले से एक बार मेंशन हो गई तो दोबारा इसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्या बन जाएगा इसका, नीदर सी इज ऑनेस्ट नॉर हार्ड वर्किंग। फिर इफ़ यू कम टू मी आई विल गिव द बुक, अनलेस का यूज करना है। सो देखो इफ का जगह अनलेस लगाओ, अनलेस यू कम टू मी आई विल नॉट गिव द, हो जाएगा यहाँ नॉट लग जाएगा, यहाँ नॉट नहीं लगा तो यहाँ नॉट लग जाएगा। इसके बाद आप आइए रिया क्राइड फॉर वाटर चेंज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है, रिया और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस कल्पिंग इज, रिया इज क्राइंग फॉर वाटर, ठीक है। फिर सेक्शन डी है, सेक्शन डी आपके पोएम से होता है, ठीक है, ये यहाँ तो इस पूरा चैप्टर का तो पढ़ लेना, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का वर्ब फॉर्म क्या होगा, स्ट्रेंजर का वर्ब फॉर्म हो जाएगा स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज, क्लियर। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर वगैरह देख लीजिए फटाफट, देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर, द पोएट्स मदर लैंड विद द स्नैपशॉट, व्हाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, देयर आर टू वॉइस इन द पोएम हु डू दे बिलोंग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका अदरवाइज मैं तो पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, वो लेट जरूर हो गया, बहुत सारी पीडीएफ डालने के लिए बोला था मैंने टेलीग्राम के चैनल पर, नहीं डाल पाया, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं सभी की पीडीएफ इकट्ठा डाल दूंगा, तो जाके फटाफट डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना आप, ठीक है, सही जोड़ी वगैरह सारी चीज़ें आप स्टडी कर लेना, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एक चीज़ और बता दूँ, ये लास्ट में जो पैसेज थी ये ग्रामर सेक्शन वाला, ठीक है, ये ग्रामर सेक्शन भी आपको स्टडी कर लेना, ये बोल रहा है मेमरी स्केर्ड, नहीं नहीं ये वर्ब फॉर्म ऑफ विलीव, विलीव का वर्ब फॉर्म क्या होगा, नाउन फॉर्म, सॉरी विलीव का नाउन फॉर्म बताना है, अपोजिट ऑफ सैक्रेड का स्केयर्ड का, ठीक है, और ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, ओके सो बस अलविदा।